नमस्कार, मैं दीति फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन ही बसंत ऋतु का आगमन हुआ था। इसके साथ ही इस दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। ये दिन छात्र, कला और संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी बेहद महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या या किसी भी शुभ कार्य के लिए भी बेहद उत्तम माना जाता है। बसंत पंचमी की तिथि के बाद से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन ही देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व है। इसके साथ ही आपको पीले रंग के कपड़े भी बसंत पंचमी के दिन जरूर पहनने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मुहूर्त शास्त्रों में वसंत पंचमी की तिथि को शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य के करने से मुहूर्त का विचार नहीं करते। वसंत पंचमी पर कई तरह के शुभ कार्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है वसंत पंचमी को। इस वसंत पंचमी अब्जू मुहूर्त से गृह प्रवेश, विवाह और नए वस्तु की भी आप खरीदारी कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन आराधना करने से माँ सरस्वती काफी प्रसन्न होती हैं और ज्ञान का आशीर्वाद भी आपको प्रदान करती हैं। विद्यार्थी और कला साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा का आपको काफी फल मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र में अर्पित करें। अब रोली, चंदन, हल्दी या पीले या सफेद कलर के पुष्प, पीली मिठाई को भी अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर विद्या यंत्र और किताबों को भी अर्पित करें। इसके साथ ही माँ सरस्वती की वंदना का पाठ भी आप कर सकते हैं। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। पंचांग के मुताबिक माह महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:40 से होगी। इसके अगले दिन यानी कि 14 फरवरी दोपहर 2:09 पर तिथि का समापन होगा। इसी बीच आप पूजा और अर्चना भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।